यस डिस्कस करते हैं 2019 निमसेट पेपर का सॉल्यूशन। पहले मैं इस पेपर के बारे में आपको बता दूं कि पेपर का जो फील है देख के, वो एक तो पेपर का जो पैटर्न है थोड़ा सा स्पेस कम दिया है, हमेशा जैसा दिखने वाला पेपर है वैसा नहीं है, प्रिंटिंग थोड़ी सी लाइट है। तीसरा कि क्वेश्चन को पेपर को देख के फील बिल्कुल आ सकता है कि पेपर टफ है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं बोलूँगा पेपर लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर पेपर लेंथी है टाइम कंज्यूमिंग है तो वो आप अकेले के लिए नहीं सभी के लिए होगा, बट इनसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन निकालना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं या जो आपने कभी ना कभी किए हैं वो क्वेश्चन भी हैं, तो मैं आपके साथ इसी तरह से पेपर को डिस्कस करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स कंप्यूटर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, सबसे पहले मैथ्स के पेपर को डिस्कस करेंगे, और मैथ्स में भी पहले मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगा जिनके क्वेश्चंस को आप देख के इजीली बता सकते हैं, जो चीज़ें पढ़ाई थी वो आप रिलेट करोगे। जब मैंने आपको लास्ट सेशन लिया था उसमें बोला भी था कि सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, बस आप रिलेट करना आपको आना चाहिए। तो इस पेपर में अगर हम ओवरऑल देखें तो कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाएगा, मतलब स्कोर कम पर आपको अच्छी रैंक मिल सकती है, पर जैसे जैसे मैं पूरा पेपर सॉल्व कर लूँगा उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, सारे पेपर्स के सेट के ए बी सी डी के अलग से भी एक आंसर्स की दूंगा, तो आपको काफ़ी अच्छा होगा, समझने में आसानी होगी। अभी मेरा टारगेट है कि पहले इस पेपर को मैं खुद भी सॉल्व करूँ और आपके साथ इसको शेयर करूँ, डिस्कस करूँ। यस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है, फॉर द टू सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई इक्वल टू 0, देयर इज वन पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, टू पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, थ्री कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट। अब देखिए क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, जब तक आपके सिलेक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे आप समझ लीजिए अटेम्प्ट नहीं बढ़ेंगे। मैंने लास्ट सेशन में आपको यही बोला था कि क्वेश्चन देख के कभी भी, जैसे पेपर मेरे हाथ में आया मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ जो फेवरेबल क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, पहले उनके बारे में सोचा जाए फिर उन क्वेश्चन को सोचा जाए जो हमें बाद में करना है। और इस पेपर के सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले कि सर्कल की पोजीशन देखनी है, तो हमें पता है ये कि दोनों सर्कल को अगर हम लॉजिकली देखें तो सर्कल का सेंटर 0, 0 है और रेडियस 4 है। अगर मैं इस सर्कल के बारे में बात करूं तो इसका सेंटर 0, 1 है और रेडियस 1 यूनिट है। इस और एक बात और समझ में आती है कि सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन है, मतलब सर्कल कुछ ऐसा हो सकता है, रेडियस 1 यूनिट है और ये पूरा डिस्टेंस 4 यूनिट है। अगर हम देखें तो डायमीटर 2 होगा, इसका मतलब सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, सर्कल आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो हम यहां पर बोलेंगे नो कॉमन टेंजेंट। जो तरीके से मैंने पढ़ाया था अगर आपने वो रिकॉल किया होगा तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, ये पक्की बात है। तो नो कॉमन टेंजेंट, बाकी अगर मेथड से करते तो आपको पता है दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट, R1 प्लस R2 करेंगे तो 5 आ रहा है, R1 माइनस R2 करेंगे तो भी 3 आ रहा है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए, C1 C2 जो है वो लेस देन है R1 प्लस R2 के, और C1 C2 जो है वो लेस देन है R1 माइनस R2 के भी, इससे भी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस कम आए। यानी अगर आप इसको पूरा लॉजिकली तरीके से बनाते, डायग्राम से बनाते तो आप इजीली बता सकते थे, क्योंकि ये सर्कल जो है वो पासिंग थ्रू क्या है, पासिंग थ्रू है ओरिजिन, और ये सर्कल का सेंटर ही ओरिजिन है। तो अगर आप एक चीज़ समझिए, जैसे मैं इसको पूरा और डायग्राम से बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 0, 0, ये रेडियस 4 यूनिट, यानी 0, 4 होगा, ये 4, 0 होगा, ये 0, 4 होगा, सॉरी -4, 0 होगा, ये 0, -4 होगा। अगर मैं इस सर्कल का सेंटर देखूँ तो 0, 1 है, 0, 1 यहाँ का ही होगा, और रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो ये सर्कल कुछ इस तरह का बनने वाला है, लाइक दिस, राइट। अब ये सर्कल कहीं कट ही नहीं कर रहा, इसलिए नो कॉमन टेंजेंट। तो आप कंसेप्चुअली कितने स्ट्रांग हो उस पर डिपेंड करेगा, मैं पेपर थोड़ा आराम से डिस्कस करूंगा, आपको बताता चलूंगा कि पहले कौन से क्वेश्चन करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा था, वो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन जो देख के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहला ऑर्डर वो रखिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह ये वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, देन मैं इसको बाद में करूंगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे आऊं तो देखिए क्या है, ये दिया हुआ है और इसकी स्टेप देखिएगा, एक्स वाई जेड आर डिस्टेंट रियल नंबर एंड एक्स वाई जेड
x square, y square, z square, 2 plus x square, 2 plus y square, 2 plus z square cube hai ye, equal to 0, then x, y, z equal to kya hoga. अब देखिए इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझें तो आपको ये पता है कि इसको आप सेपरेट लिख सकते हैं, मतलब x x स्क्वायर 2 2 2 तो 2 चाहे तो आप बाहर भी निकाल सकते हैं, y y स्क्वायर z z स्क्वायर 2 बाहर निकालने तो 1 1 1 स्टेप बचानी है, प्लस इसके साथ ये लिखेंगे तो x कॉमन ले सकते हैं, इसके साथ y कॉमन, फिर स्टेप बताता हूं इसके साथ z कॉमन क्या मिलेगा बोलिए, 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर नहीं एक कम हो जाएगा तो एक्स वाई जेड और फिर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस शुड बी जीरो. अब एक चीज़ समझिए ये दोनों सेम है, कैसे आप एक बार पहले इसे इसके साथ रोटेट करेंगे और फिर इसको इसके साथ तो दो बार ऑपरेशन से सेम साइन रहेगा, इसका मतलब एक्स वाई जेड प्लस टू इक्वल टू जीरो यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू माइनस ऑफ टू होगा. इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आपको याद हो जो अक्सर आता है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन में यहाँ वन होता था, ये क्वेश्चन में देखिए कैसे घुमाया गया आपको, यहाँ पर टू होने से पूरा क्वेश्चन बदल गया, तो यहाँ पर माइनस वन ना लगाए आंसर माइनस टू होगा. अब मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ और जो जो टेक्निक्स आपकी डेवलप की थी उनको यूज करना बहुत जरूरी था, हर एक चीज़ अगर आप इसमें स्टेप्स लिखेंगे तो ये पेपर बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता था. अब जैसे अगर सपोज आप ये स्टेप ही लिखते एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 2 2 and then plus of x x x y z x square y square z square then x cube y cube z cube. अब देखिए स्टेप लिखने से क्या होता है, पहले ये स्टेप इवन ये स्टेप भी मुझे मैं आपको समझाने के लिए लिखी, मेंटली करता तो ये दो चीज़ें हमें डायरेक्ट समझ में आती, हम आंसर दे सकते थे. अब आप क्या करते हैं, इसमें पहले 2 कॉमन लेते देन x y z x square y square z square 1 1 1 प्लस इस पूरे रो में से x इसमें y इसमें z फिर 1 1 1 x y z देन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर देन रोटेशन ऑफ दिस टू टाइम रोटेशन होता तो इसको आपको आंसर निकाल पाते, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन ढूंढने हैं वो जो बहुत ही सिंपल है जिसे मैं स्कैनिंग राउंड क्वेश्चन बोलता हूँ, वो क्वेश्चन अगर ढूंढ लिए तो सब हो जाएगा. देखिए ये भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, आपने किया है x 2x plus 2 and 3x plus 3, 3x plus 3 are first three term of GP, then fourth term आपसे पूछा, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन आपने क्लास में किया हुआ है, 13.5 minus 27 and 27, तो आपसे पूछा नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म पूछा है. अब क्योंकि आपको पता है कि ए बी सी जी पी में है, इसका मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ऑब्वियसली इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x 3x इनटू x प्लस 1, यस और नो. अब एक तरह से x प्लस 1 कॉमन हो गया और x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि अगर x के माइनस 1 रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी बताया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको मिला 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 0, राइट. यानी 4x में से 3x गया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ 4, x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आप माइनस ऑफ 4, माइनस 4 रखिए तो एक पहला टर्म मिला माइनस 4, दूसरा मिला माइनस 8 प्लस 2 इसका मतलब माइनस ऑफ 6, फिर माइनस 12 प्लस 3 यानी माइनस ऑफ 9, राइट. अब देखिए अब आपको समझ में भी आ रहा है, आर हो गया 3/2, आर हो गया 3/2, तो 3/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27/2 यानी माइनस ऑफ 13.5 इज अ राइट आंसर, माइनस 13.5 इज अ राइट आंसर, राइट. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते थे क्योंकि मैं आपके साथ पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो सिंपल थे, 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर का होल पावर 6 इक्वल टू देखिए 1 प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए 12 एक्स पावर 12,
देन द वैल्यू ऑफ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देन द वैल्यू ऑफ A4 plus A6 up to A12। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपको E1 का समेशन पूछा है बट A नॉट नहीं दिया है, बस यहीं पे पॉसिबल मिस्टेक आप में से किसी से भी हो सकती है। करने का तरीका बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन का आपको पता है, एक बार x की जगह 1 पुट कर दें, एक बार -1 पुट कर दें, जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 plus 1 2 2 minus 2 0, आपको ऐसा मिलेगा 1 A1 plus A2 up to A12। एक बार -1 पुट करिए तो क्या होगा, देखिए 1 minus 1 minus of 2, ये कैंसिल, -2 की पावर 6 यानी प्लस हो गया, 2 की पावर 6 मतलब 64। दिस इक्वल टू 1 minus A1 plus A2 up to plus A12, यानी आप वैसे भी ऑड प्लेस पे माइनस आएगा, ये आपको समझ में आ गया। क्या होगा, कैंसिल हो गया 64, ये कैंसिल, तो 2 times of, अब जो मैंने आपसे बात बोली थी ये हुआ 32, और 32 में एक कम करना ना भूल जाए, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही गड़बड़ वाले हो सकते थे, इस बात को समझना है। तो करेक्ट आंसर हुआ 31, पर क्या क्या चीजें याद रखना है वो बता रहा हूं, जब आप इसको ऐड करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, जब आपने माइनस वन पुट किया होगा तो आपको मिला 2 की पावर 6, इसके अलावा 1 minus A1 plus A2 minus A3 plus A4 ऐसा मिला होगा। अब जब आपने ऐड किया तो ये 2 times of 1 A2 A4 A6 up to A12, ये देखिए ये हुआ 32। अब जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी इस पूरे क्वेश्चन की थी, वो थी, वो की क्या थी, कि ये 1 को माइनस करना है क्योंकि आपसे A2 से पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, आप क्वेश्चन देखते हुए चलेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 31। बस यही मिस्टेक्स हो सकती हैं अगर किसी से होंगी, और इन्हीं से कई बार हम पीछे हो जाते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, इफ log 2 to x, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है इसलिए आप पहले राउंड में कर सकते हैं, e power x minus 1 dx equal to given है π/6, देन x पूछा है। अब देखिए ऑप्शन कुछ किस तरह के दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं log 2, 2 log 2, 3 log 2 and 4 log 2। अब मैं आपको पहले इसका फंडा बताता हूँ, ABCD इस तरह के ऑप्शन दिए हैं। अब आप ध्यान दें तो सबसे पहले तो log 2 तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्यों नहीं हो सकता log 2, क्योंकि log 2 रखने पर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक बात सुनिए, जब भी आप x की जगह रखेंगे तो ये टर्म रखेंगे, जैसे सपोज आपने 2 log 2 रखा तो यहाँ e के पावर में ही रखेंगे ना, तो ये याद रखिएगा कि जैसे e की पावर 2 log 2 कितना होता है 4, या e की पावर 3 log 2 होता है 2 का क्यूब यानी 8, या e की पावर 4 log 2 कितना होता है तो 2 की पावर 4 यानी 16। अब इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट याद हो कि ऊपर कुछ नहीं है, तो हमें केवल इतना सा एक काम करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, यानी e पावर x माइनस 1 को आपको सिंपली टी स्क्वायर लेना है। यहाँ से e पावर x dx इक्वल टू आपको मिल गया 2t dt, और dx की वैल्यू बोलूँ तो 2t अपॉन e पावर x मतलब 1 plus t square। क्वेश्चन देखिए क्रैक हो गया, लिमिट भी चेंज करेंगे तो क्या होगी, log 2 रखा तो log 2 रखने पे, जैसे ये मैंने आपको बताया log 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 minus 1 1, तो ये हो गया 1, और ये सेम के सेम रहेगा पर अंडर रूट में हो जाएगा, तो e पावर x माइनस 1 देखिए 2t अपॉन 1 plus t square into t dt, t से t कैंसिल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan इनवर्स 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स t 1 to root e power x minus 1। अब देखिए एक लॉजिक से बात समझिए कि ऐसी क्या वैल्यू है जो आपको रूट में पता है, ना तो आपको रूट 8 रख देंगे, मान लीजिए आप देखिए इस पूरे का रिजल्ट क्या होगा, रूट 7, अगले का रूट 15, केवल एक ऐसा नंबर है 4 जिसको यहां रखोगे तो 4 minus 1 3, और रूट 3 की वैल्यू आपको पता है, यानी इसका करेक्ट आंसर यहीं पे निकल गया, ये इसका आंसर निकल गया, राइट। आप समझ लीजिए आपने क्या किया होगा, आपने जब लिमिट रखी होगी तो ऑब्वियसली ऐसे रखा होगा रूट ई पावर एक्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 दिस इक्वल टू, वैसे मेथड से भी किया जाता है कि हम पूरे ही इसको निकाल लें, पर मैंने जो आपको लॉजिक बताया कि अगर मैं 2 log 2 रख दूं तो मुझे मिलेगा एक तरह से ये पाई रूट 3 यानी पाई बाई 3
माइनस पाई बाई फोर, इसे सॉल्व किया तो देखिए पाई बाई सिक्स आ गया, या पूरा कंपेयर कर सकते थे। यानी क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, आपको पहले ढूंढने पड़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वेश्चंस करने जो आपको मैनेजेबल हो, देन उसके बाद कई क्वेश्चंस के स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये पेपर में घबराने वाली बात नहीं, बल्कि इस पेपर में आपका अटेम्प्ट अगर राइट हुए तो कम अटेम्प्ट में भी एक अच्छा रैंक या अच्छा कॉलेज मिल सकता है। नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 3-1 टू द एलिप्स। ये एक एलिप्स दिया हुआ है, इस तरह का कोई समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/3 इक्वल टू 1, राइट? नहीं, अब ऐसा एक आपको इक्वेशन दिया है एलिप्स का, इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो ये 3 बचेगा, तो 1/3। अब अगर आप ध्यान दें तो ये अगर मैं 3 और माइनस 1 यहाँ रख दूँ, 3 और माइनस 1 यहाँ रख दूँ, क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट बोला है तो ऑब्वियसली पॉइंट ऐसा कहीं होगा, इससे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, राइट? अब कैसे निकाली जाएगी वो देखते हैं हम। वैसे भी अगर आप पॉइंट रखेंगे तो आपको केवल इतना देखना होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक चीज़ देखिए, फ्रॉम द पॉइंट बोला है तो ये बात हमें समझ में आती है कि पॉइंट आउटसाइड है, ओके, पर पॉइंट इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो इसमें रखा मैंने तो देखिए क्या होगा, 6+3-, ये नहीं कर रहा है, रिजेक्ट। बी पे आए 6-3-3 कर रहा है, ये हो गया। सी को चेक करा 6-, ये भी नहीं कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर यहीं पे निकल गया। अब ये एक काम आपको करना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस है, यही चीज़ें आपको डेवलप करनी जब भी स्कूल पढ़ेगा, क्योंकि मेथड से करने पे थोड़ा टाइम लग सकता था, बाकी आप मेथड से करते तो आपको ये पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो c का वैल्यू जो होता है वो होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसका मतलब आपको जो इक्वेशन दी है उसकी जरा हम फॉर्म समझें तो 3y इक्वल टू कुछ ऐसी है, -2x+3। अगर मैं मान लेता हूँ ये आंसर है तो मैं आपको हर तरीके से बता सकता हूँ क्वेश्चन करना। मैंने इसलिए बोला था आपको कि पढ़ो ऐसे नॉलेज के लिए कि आपको हर चीज़ बने। अब अगर मैं इससे वेरीफाई करूँ तो c का वैल्यू 1 है, उसको वेरीफाई करूँ तो ए स्क्वायर कितना है 3/2, ये स्क्वायर के टर्म में लिखा, याद रखिए एम स्क्वायर जरूर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4/9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/3। ये देखिए ये 9 से 3 टाइम कैंसिल है 2 टाइम, यानी √2/3 + 1/3 दिस इज 1, यानी मेरा आंसर बिल्कुल सही है, एक तरीका। दूसरा, इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालूं, फिर इस इक्वेशन को क्योंकि इसकी टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, यानी हर तरीके से हमने क्वेश्चन करना सीखा था, पर ये क्वेश्चन टोटल ऑप्शन से हो रहा था, गो फॉर ऑप्शन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि क्या, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा, रीड करता हूँ। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 6 एंड हुज डायमीटर अलॉन्ग द लाइन x+2y-5 = 0, 3x-y-1 = 0। ये क्वेश्चन आपने कई बार किया है, डायमीटर का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर और पासिंग थ्रू 4, 6 बोला। ऑप्शन क्यों लिखे होंगे मैंने, आप समझ रहे होंगे कि आप वैसे तो इसको सॉल्व करके एक्स वाई निकालने में देर नहीं लगेगी, इसको मेथड से भी करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करिएगा, तो x/-2-5, वाई के साथ करेंगे तो -15+1, 1 के साथ करेंगे तो -3-6। यानी बेसिकली देखिए क्या हुआ, एक्स के साथ किया तो -2-5, वाई के साथ किया तो -15+1, ठीक है, और इसके साथ किया तो -1 एंड -6। तो x अपॉन कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखिएगा -14, 1/-7, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, 1 एंड 2 सेटिस्फाई भी कर रहा है, राइट? अब एक तरह से सेंटर 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, और रेडियस कितना है वो बता देते हैं, 1-2 होने से क्या होगा, ये x-1 का स्क्वायर, तो ये आपको ये आंसर मिल गया, देखिए खत्म, यहीं कहीं क्वेश्चन खत्म। कैसे, क्योंकि आपको पता है x-1 का स्क्वायर y-2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो इससे -2x मिलेगा -4y मिलेगा, ये एक ही में है, इतने में ही क्वेश्चन खत्म। दूसरा, आप ये नहीं कर रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन से जरूर थोड़ा सा आप करते तो जैसे 16+36- ये फिक्स हो गया, राइट, 40, 52 ये फिक्स हो गया।
अब 52 के बाद आप देखते चलो क्या क्या आएगा. जैसे इसमें आया ये 52 हो गया, माइनस ऑफ 8, माइनस ऑफ 24, माइनस ऑफ 20, राइट. अब इसको ऐड कर लो, तो इसको ऐड किया तो 32 और ये देखिए 52. तो ऐसे ऑप्शन में कई बार टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि गो फॉर मेथड. मेथड से कम टाइम लगेगा, मेथड से पूरा भी नहीं करना पड़ा. बाकी रेडियस अगर सपोज टू ऑप्शन मैच कर रहे होते तो इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस आ जाता, जो मुझे आर मिल जाता, राइट. जैसे आप निकालते तो 9 + 4 = 16, 25 मतलब 5, रेडियस 5 है तो ये 25 हो जाता, राइट. नोट करिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, लिमिट का ये करा हुआ क्वेश्चन है. मैंने लिमिट के जो टेक्निक्स बताई उसको यूज करें. 3x - 3 अपौन रूट ऑफ 2x - 4 माइनस ऑफ रूट 2, राइट. सबसे पहले तो आप इसमें एलएसपीटेल भी लगा सकते थे, 3 रखे तो 3 - 3 = 0, 3 रखा तो 6 - 4 = 2 √2. पर इसके अलावा हम सबसे अच्छा तरीका ये भी यूज कर सकते थे कि हम इसको रैशनलाइज कर दें. तो रैशनलाइज करते तो क्या आता, 3x - 9 अपॉन, समझिएगा, इससे भी रैशनलाइज करते तो ये आता 2x - 4 माइनस ऑफ 2. अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ऐसा आ जाता, 2x - 4 आप डायरेक्ट लिख सकते थे प्लस रूट 2. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कुछ ऐसा आता, √3x + 3, यस और नो. अब देखिए ये एक तरह से x - 3 है. अगर यहाँ ध्यान दें तो ये 2 कॉमन ले लूँ तो दिस इज ऑल्सो x - 3. जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 रखा आपने तो 6 - 4 √2 √2 यानी 2 √2. यहाँ पर आपने 3 रखा तो 9 का स्क्वायर 3 + 3 = 6. क्वेश्चन सॉल्व. ये कैम कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, √2 / 2 यानी 1 / √2 इज अ राइट आंसर. यस, 1 / 2 इज अ राइट आंसर. अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या करा. पहले तो अगर मैंने रैशनलाइज किया तो रैशनलाइजिंग की स्टेप्स नहीं लिखी, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, क्योंकि क्या होता है जब आप ये लिखोगे 2x - 4 तो ये जो टाइम आपका लग रहा है, आप जो बोलते हैं कि पेपर लेंथी है, जो आप लोग फीडबैक दे रहे हो कि सर पेपर लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो इसलिए कि हो सकता है आपने स्टेप ज़्यादा लिख दिया. मैंने आपको स्पेशली बोला था कि ये चीज़ें ही आपको सेव करनी है, जैसे यहाँ लिखते ही है, या इवन आप सपोज इसको एल हॉस्पिटल से करते तो भी थोड़ा सा आपका टाइम, इसको अगर एल हॉस्पिटल से करते तो 1 / 2 √3x / 3, ध्यान ही रखना है. अपॉन में ये आएगा केवल इसका 1 / 2 √2x - 4 × 2, राइट. ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट रख दीजिए 3, तो 3 / 3 वो भी कैंसिल, तो 1 / एक तरह से आपको क्या मिल गया, 1 / 1 और 1 / ये देखिए यहाँ पर जब 2 रखते तो ये एक 2 ये बच जाता और एक ये 1 / √2 बच जाता, यानी बेसिकली आपको जो मिलता वो मिलता 1 / 2 / 1 / √2 यानी फाइनली 1 / √2. जब आप यहाँ पर 3 रखते तो ये होता 9, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका तो 1 / √2. तो डिपेंड ऑन कि आप किस अप्रोच से कर रहे हैं, पर अगर आप लॉजिकल तरीके से करें, सिस्टमेटिक तरीके से, जो मैंने आपको साल भर इतनी मेहनत करवाई कि क्वेश्चंस को देख के आपको स्टेप सेव करना है, वो चीज़ें क्लिक करनी जो पढ़ाते समय आपको बताइए, तो ये पेपर आपका अच्छा गया होगा. पर इसमें कम अटेम्प्ट होने पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. नोट करिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है समझिएगा, द कर्व सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन (y(dx) - x + 3y² (dy) = 0, ओके, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए, 1/4, 1/2, 1/4, -1/2, -1/3, 1/3, एंड डी इज 1/3, -1/3. पहले तो हम समझें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो किस तरह की दी, वो ऐसी दी है (y(dx) = एक तरह से (x + 3y² · dy), राइट. ऐसी एक इक्वेशन आपको दी हुई है. अगर आप इसको कुछ ऐसा लिख लें कि (y(dx) / dy) बना लें और इसको ऐसा लिखें तो (x + 3y² और इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ (dx/dy) - (x/y) = 3y,
इक्वल टू 3y, समझिएगा क्या किया आपने, सबसे पहले क्वेश्चन का y dx इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर dy लिख दिया। अब इसको मैंने dx upon dy बना दिया। देखिए जैसे ही बनाया और y का डिवाइड किया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसका हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन सीखा है, बस वो p by, और इसमें बोला भी था इसका क्या होता है, y into integrating factor equal to q into integrating factor plus of c, right? But यहां पर y के प्लेस पे x आएगा। सबसे पहले अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो e पावर माइनस वन अपॉन y dy यानी e पावर माइनस log y यानी वन अपॉन y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सॉल्यूशन क्या होगा, x अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर y से y भी कैंसिल, और याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर x की जगह y होगा तो 3 बचा, तो एक तरह से 3y प्लस c, या ऐसा भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए पासिंग थ्रू 1-1 बोला है, आप मेंटली बता सकते हैं यहां पर 1 रखा तो 1, ये 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 2। तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो कुछ ऐसा है, x इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y, माइनस ऑफ 2y, या ऐसा भी बोल सकते हैं, या ऐसा ही लिखा रहने दें। अब आप इसमें कौन सा अगला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए a करेक्ट मानूं, तो y की जगह मैंने रखा 3 by 4 माइनस 1, तो ये नेगेटिव माइनस 1/4 आ रहा, रिजेक्ट, b पे आ गए क्योंकि आपने 1/2 रखा था, यस b पे आ गए तो b करेक्ट दिख रहा है, नहीं b भी करेक्ट नहीं है क्योंकि b में क्या होगा जब आप माइनस 1/2 रखेंगे तो देखिए वही 3/4 + 1, ये भी नहीं है, ये भी रिजेक्ट। इस पर आ जाओ 3 × 1/9 − 2/3, इसका मतलब 1/3 − 2/3 − 1/3, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ये तरीका है क्वेश्चन को कि आप किस ढंग से कर रहे हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन करी थी मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप एक सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, वह शर्त है आपके पास टेक्निक्स बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, अब आप डी भी रख के देख लेते तो आपको समझ में आता 3/9 + 1/3, तो ये 2/3, ये भी रह सकते, यानी आप बहुत श्योरली बोल सकते थे कि क्या आंसर होगा। नोट करिए क्वेश्चन को, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। If all the word with or without meaning are written using the letter of the word queen, dictionary problems hai, and are arranged in English alphabet dictionary, then the position of queen, queen ki hi position batani hai ki kya rank hogi, right? Option kuch is tarah ke hai, 47, 44, 45 and 46. अब आपको ध्यान होगा कि जब हम डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम्स करते थे तो हम सबसे पहले ये देखें कि अल्फाबेटिकली कौन से आएंगे, तो सबसे पहले आएगा ई, फिर ई, फिर ई ई, फिर एन, फिर क्यू, फिर यू। अब आपको ये देखिए सबसे पहले कि पोजीशंस क्या होंगी, अगर हम टोटल देखें तो टोटल 5 लेटर के वर्ड और 2 रिपीट हो रहे हैं, फैक्टर 2 यानी टोटल 60 बनेंगे, और क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमें समझना है क्या होगा। सबसे पहले E से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, याद होगा E को फिक्स कर दीजिए 4, 3, 2, 1, 24, अब ये E हो या ये E कोई फर्क नहीं पड़ता। E के बाद अगर मैं बात करूं N के साथ तो यहां पर ध्यान रखना है कि 4, 3, 2, 1, 24 बाय रिपीट टू 12, इन दोनों का सम 36 यानी इससे बड़ा आंसर। अब उसके बाद क्या लेना है आपको, इसके बाद आपको लेना है Q, जो आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन यहां पर आ गया। जब आप जैसे ही क्यू पे आएंगे आप इसको कट कर दें। अब आपने लिया क्यू, जैसे ही क्यू लिया फिक्स किया, क्यू के बाद अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले आएगा ये वाला ई, तो अगर मैं, मुझे ई नहीं चाहिए, क्यू के बाद यू चाहिए, पर मान लीजिए ई आता तो 3, 2, 1 यानी 6 + 6 कर दीजिए, करते चलिए, राइट। ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा एन, क्यू एन, तो क्यू एन के साथ क्या होगा, वही सेम 3, 2, 1 / 2 क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो 3, एक और 3 ऐड कर दीजिए यानी 45, तो ये रिजेक्ट आंसर, 45 भी रिजेक्ट क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंचे, दो आंसर रिजेक्ट। अब क्यू के बाद एन भी हो गया, अब क्यू के बाद आएगा यू, यू के बाद ऑब्वियसली दोनों यू आया, दोनों ई और एन आएंगे, तो इसके बाद का नेक्स्ट टर्म यानी 45 के बाद का नेक्स्ट टर्म यानी 46 इज अ
right answer, right? 46 is a right answer. Note कर लीजिए क्वेश्चन को.